नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जारी हुए 43 करोड़, खर्च हुए सिर्फ 32 करोड़ रुपए। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए वित्त वर्ष 2016 से 17 में 43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, लेकिन 32.69 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके। लोकसभा में दिनेश त्रिवेदी के प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही लोकसभा सरकार ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2015 से 16 में सार्वजनिक क्षेत्र के 165 केंद्रीय उपक्रम लाभ में थे, जबकि 78 उपक्रमों को नुकसान उठाना पड़ा। मंत्री ने दी लोकसभा में जानकारी। कुमार ने कहा कि इस योजना के लिए 2016 से 17 में कुल 43 रुपए की राशि जारी की गई और 32.69 करोड़ रुपए खर्च हुए। मंत्री ने कहा कि लिंगानुपात घटने की समस्या पर अंकुश लगाने के मकसद से शुरू की गई इस योजना की पिछले 3 वर्षों में काफी सराहना हुई है और जिला स्तर पर इस संदर्भ में कई कदम भी उठाए गए हैं। देश में 165 केंद्रीय उपक्रम लाभ की स्थिति में सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2015 से 16 में सार्वजनिक क्षेत्र के 165 केंद्रीय उपक्रम लाभ में थे, जबकि 78 उपक्रमों को नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा में लल्लू सिंह, एमबी राजेश और कौशल किशोर के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पूर्ण राधाकृष्णन ने यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015 से 16 में सार्वजनिक क्षेत्र के 165 केंद्रीय उपक्रम लाभ की स्थिति में थे, जबकि 78 उपक्रमों को हानि हुई। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में एक केंद्रीय उपक्रम ऐसा रहा जिसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। जीएसटी के तहत करीब 1 लाख करदाता पंजीकृत हुए। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में पिछले साल के आखिर तक माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत कल कुल 99,25,220 करदाता पंजीकृत हुए, जिनमें 35,15,928 नए करदाता शामिल हैं। लोकसभा में चंद्रकांत कैरे के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत 99,25,220 करदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पहले से मौजूद 64,09,292 करदाता शामिल हैं। 35,15,928 करदाताओं ने जीएसटी के तहत नया पंजीकरण कराया है। मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2017 तक केंद्रीय जीएसटी के तहत 1,09,661.20 करोड़ और राज्य जीएसटी के तहत 1,67,730.71 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।